तुझसे बात करनी है मैन टू मैन। मुझे पता था तू आएगा, कॉम्प्रो करना है। ओ हेलो, मैं कोई याद आले मुश्किल वाला। हेलो सर, नमस्ते। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोगों की हमारे यूट्यूब चैनल एमके मूवी फैक्ट पे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए हमारे चैनल पे मूवी फैक्ट, मूवी रिव्यू और मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ दोस्तों न्यू मूवी और ओल्ड मूवी की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम होने वाला है बैड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, बैड न्यूज़ एक हिंदी भाषा की आगामी फिल्म है, जिस फिल्म को रिलीज 19 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाएगा। जिस फिल्म को दोस्तों रिलीज कर दी गई है और इस फिल्म का डायरेक्टर आनंद तिवारी ने किया था। फिल्म का लेखक इशिता मोहित्रा और तुरन दुबेजा ने लिखे थे। फिल्म का निर्माता करण जौहर और फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता विक्की कौशल, श्रुति डिमरी जैसे और बड़े स्टार दिखाई देंगे। फिल्म बैड न्यूज एक आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। Amazon प्राइम वीडियो और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस फिल्म में विक्की कौशल, श्रुति डिमरी और एमी विर्क हैं। यह फिल्म मूल फिल्म गुड न्यूज यह 2019 का अकादमिक सिक्वल है और मूल की तरह यह भी गर्भव्यवस्था के द्वितीय घूमती है। फिल्म की कहानी हेट्रो पैटनर सुपर कंडक्शन के गिर्द घूमती है। एक प्रजनन प्रतिक्रिया जिसमें जुड़वा बच्चे की एक ही माँ होती है, लेकिन दोस्तों अलग अलग जैविक पिता होते हैं। फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बैड न्यूज़ मूवी का कुल बजट 80 करोड़ की बजट पर बनी मूवी है और इस मूवी की पहले ही दिन कमाई 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म बैड न्यूज मूवी पहले ही दिन भारत में 8.3 करोड़ का कलेक्शन किया था। बैड न्यूज मूवी का एक स्टोरी हम बताते हैं, जो दोस्तों शुरुआत में होती है, दिखाया जाता है कि त्रिपीटी डेमरी की मम्मी त्रिति को एक पार्टी में लेकर आई है और ताकि
किसी लड़के को ड्यूटी पसंद करे और इन दोनों की शादी हो जाए। इसी पार्टी में विक्की कौशल भी आया है और विक्की कौशल को त्रिपाठी से प्यार हो जाता है। साथ ही त्रिपाठी को करियर में अपने कुछ करना होता है और शादी के बाद त्रिपाठी अपने कैरियर पर फोकस ही नहीं कर पाती है। विक्की कौशल त्रिपाठी तलाक लेना चाहती है और मायके चली जाती है। इसी बीच त्रिपाठी का मुलाकात अम्मी विरिक से होता है, जो त्रिपाठी इतनी टेंशन में होती है कि शराब पी लेती है और एम्मी के साथ मजे करती है। और सुबह विक्की कौशल आता है और त्रिपाठी को मानता है कि फिर इन दोनों के बीच प्यार हो जाती है। वहीं दोस्तों कंफ्यूज हो जाती है और ये कि बच्चे है और विक्की कौशल का या एमी का जब मेडिकल टेस्ट होता है तो पता चलता है कि त्रिपाठी के पेट पर दो बच्चे हैं, विक्की का और एमी का। इसके बाद मूवी देखने में जमकर मजा आता है। आखिर में बच्चा विक्की और त्रिपाठी अपना ले लेती है। वहीं दोस्तों बात करें फिल्म की तो इस फिल्म में सुपरस्टार एक्टर विक्की कौशल, त्रिपाठी डिमरी, एमी वर्क दिखाई दिए हैं। भारतीय अभिनेता है जिन्होंने कई पुरस्कार के विजेता जीते हैं और फिल्म मसान के लिए जाना जाता है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया था। कौशल के पिता श्याम कौशल एक बॉलीवुड एक्शन निर्देशक और स्टंट समन्वयक है। वह स्लमडॉग और मिलियनेयर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। विक्की ने भाई सनी कौशल की फिल्म उद्योग से संपत्ति संबंधित है और वह यह एक सहायक रूप में गुंडे और माय फ्रेंड पिंटो में काम कर चुके हैं। कौशल ने स्नातक की उपाधि और एक इलेक्ट्रॉनिक्स को दूरसंचार इंजीनियर के रूप में 2009 में प्राप्त किया था। उनके पास नौकरी करने का मौका था लेकिन वह एक अभिनेता बनने की आशंका रखते थे और रंगमंच के साथ जुड़ गए थे। कौशल किशोर निमित्त कपूर की एक अभिनय कार्यशाला में शामिल हो गए और विक्की ने एक लघु फिल्म गिक आउट के अलावा लॉस टेन और चिकन खुराना और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्मों में छोटी भूमिका निभाई है। 2010 में विक्की ने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में सहायक काम किया था। नीरज हैम फिल्म में साइन और निर्देशक थे। जब नीरज ने अपनी फिल्म सम्मान मस्तान पर काम करना शुरू किया तो कौशल को भी एक ऑडियो के लिए बुलाया गया था। नीरज के अनुसार शुरू में वह असंकार थे और क्योंकि दोस्तों कौशल को बनारस जैसे एक छोटे से शहर के लड़के की भूमिका निभानी थी और जबकि वह एक ठंडर पंजाबी पृष्ठभूमि से आया है। लेकिन दोस्तों ऑडिशन देखने के बाद वह उनकी क्षमता के बारे में अशक्त हो गए हैं। कौशल की दूसरी फिल्म जुबान
मार्च 2016 में जारी हुई और यह फिल्म एक युवा लड़के विकी कौशल की कहानी जो बट बाइडेन ने की और बीमारी से ग्रस्त हैं। उनकी अगली फिल्म रमन राघव 2.0 अनुराग कश्यप की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर थी, जिसमें उन्होंने नशे की लत में लत वाले किरदार को निभाया है और विक्की ने बाद में लव पर, स्वेच्छर फूट और लास्ट स्टोरीज में भी भाग काम किया था। 2012 में लव शव के थिक्कन खुराना और 2013 में गीक आउट, 2015 में बॉम्बे वेलवेट और 2015 में मासन, 2016 में जुबान, 2016 में द हीरो, द बॉलीवुड स्टोरी जैसी कई फिल्मों में काम किए हैं। अभिनेता विक्की कौशल की यह एक फिल्म है जिसका नाम है बैड न्यूज। जी हाँ, इस फिल्म को दर्शकों काफी पसंद किए थे और इस फिल्म को देखना भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसी फिल्म की अभिनेत्री की बात की जाए तो डिमरी तृप्ति डिमरी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। उन्होंने दोस्तों कई प्रिय फिल्मों में जैसे बुलबुल 2020 और कला में निर्देशक किया था। उन्होंने अभिनय जगत की शुरुआत में कॉमेडी फिल्म पोस्टर बयाज 2017 से की और रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू 2018 में उनकी पहले मुख्य भूमिका थी। डिमरी ने बुलबुल में अपनी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण प्रशंसा अर्जित की है। उन्हें फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 2021 की सूची में शामिल किया गया था। भारतीय अभिनेत्री डिमरी ने अपने अभिनय की जगत की शुरुआत में श्रेष्ठ स्तर पर देखे निर्देशक में बनी फिल्म 2017 की कॉमेडी फिल्म पोस्टर बयाज के साथ की और जिसमें सोनी देओल, बाबी देओल और तलपटे ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह मराठी फिल्म पोस्टर बयाज की एक आधिकारिक का पुनर्निर्माण था और इसमें उन्होंने तलपड़े की प्रेमिका के रूप में देखा गया था। उनकी अगली फिल्म इम्तियाज अली की 2018 की रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू में अविनाश तिवारी के साथ एक प्रमुख का भूमिका में दिखाई दी थी। अन्ना एम एस वेटिकार्ड ने फर्स्ट पोस्ट के लिए अपनी समीक्षा में कहा कि वह अपनी लैला को एक घर के साथ इम्ब्यूडी करती है जिसने चरित्र के निरंतर और इसके बाजी को खतरे के साथ विश्वसनीय बना दिया है। टिमरी ने नायिका के रूप में अपनी सफलता हासिल की है। अविनीता दत्त की 2020 की अलौकिक थ्रिलर बुलबुल में जिसमें उनके साथ राहुल बोस और पाओली डैम, अविनाश तिवारी और पर प्रमन पंद्रह चटर्जी भी थे। अनुष्का शर्मा द्वारा निर्मित इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक स्वागत मिला था, जिसमें नारीवाद पर अपने रुख के लिए विशेष रूप से मुख्य भूमिका के लिए टिमरी के प्रदर्शन को सराहा गया था। द हिंदू की नम्रता जोशी ने लिखा कि कमजोर और मासूम से लेकर रहस्यमय रूप से परिवर्तन तक टिमरी एक अच्छी अदाकारा है जो अपनी आंखों से बहुत कुछ बोलती है और दर्शकों आनंद उठाते हैं। उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक वेब ओरिजिनल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड दिलाया था। डिमरी ने बुलबुल की टीम के साथ उनके अगले होम प्रोडक्शन कला के लिए फिर से काम किया था।
इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों द्वारा उसके प्रदर्शन और निर्देशक पाठकथा छायांकन उत्पादन डिजाइन और दृश्य शैली के लिए सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई है। 2022 के बेहतरीन प्रदर्शन में से एक के रूप में इस फिल्म की सराहना करते हुए कई आलोचकों ने डिमरी के प्रदर्शन की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। इन्होंने मार्च 2022 में निर्देशक आनंद तिवारी के साथ अभी तक बिना शीर्षक वाली फिल्म के लिए फिल्मांकन शुरू कर दिया है, जिसमें उनके सह कलाकार विकी कौशल है और वह रणबीर कपूर के साथ संदीप रेड्डी वंगा की एनिमल में भी अभिनय करेगी। डिमरी को फोर्ब्स एशियाई ने 2021 की 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया था। वह Rediff.com की 2020 की बॉलीवुड की शीर्षक अभिनेत्री की सूची में 8वें स्थान पर रही है। वह दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की 2020 की 50 से 50 सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में 20 स्थान पर रही है। बात की जाए दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री डिमरी की, तो यह फिल्म में बैड न्यूज में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई दी है। वहीं दोस्तों अमरिंदर पाल सिंह यो जिन्होंने उनके मंच नाम एमी विर्क से अधिक जाना जाता है, यह एक पंजाबी गायक है। फिल्म के निर्माता और उन्होंने अंग्रेजी 2015 में हकम निक्का, जलदार 2016 में निक्का और किसम 2018 में सिरजीत की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म की आगमन के बाद निर्माताओं की घोषणा मंच 2014 में करण जौहर द्वारा की गई थी, जिसका शुरू में किया गया था और शीर्षक मेरे महबूब मेरे सनम रखा गया था और बाद में इसे बदलकर बैड न्यूज कर दिया गया था और मार्केटिंग सहित फिल्म का कुल बजट 80 करोड़ का था। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में शुरू हुई और उत्पादन जुलाई 2023 में पूरा हुआ था। रब्बा वर्गा गीत को क्रोएशिया के निर्देशक स्थानों पर शूट किया गया था और फिल्म का संगीत रोमा रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस और प्रेम हरदीप करण और ओलाजा और अभिजीत श्रीवास्तव ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले ने तैयार किया है। तोहफा तोहफा शीर्षक वाला पहला एकल 2 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था। जानम शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी और मेरे महबूब मेरे सनम शीर्षक वाला तीसरा एकल 1998 को फिल्म डुप्लीकेट मूल रूप से अनु मलिक द्वारा रचित थे। फिल्म की कथना की ओर थोड़ा नजर डालें तो दोस्तों सलोनी बक्का एक शेफ है जो अपने रिश्तेदार और केमिस्ट मेरिट की स्टार जीतने का सपना देखती है। वह अखिल चड्डा से मिलती है और वो और तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं। हालांकि जल्द ही उनकी शादी में समस्याएं आने लगती है, जिसमें से एक समस्या यह होती है कि उसके रिश्तेदार को अपना मेरा के स्टार खोना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप सलोनी की नौकरी से निकाल दिया जाता है और इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने
का फैसला करते हैं। सलोनी की फिर और गुरबीर सिंह पन्नू के स्वामित्व वाले एक रेस्तरा में काम करने के लिए मम्मूरी चली जाती है। घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है। उसी रात अखिल उसके कमरे में आता है और उसे वापस चलाता है और वो दोनों एक रात का रिश्ता बनाते हैं। इन मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती होती है हो जाती है और बच्चे के पिता निर्धारित करने के लिए प्रतित्व प्रशिक्षण कराने के बाद उसे पता चलाता है कि जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। मामले को दबतर बनाने के लिए उसे उसके डॉक्टर ने बताया है कि हेट्रोपेटनर्म और सुपर फैक्डेन नामक का एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। परिमांशक रूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता है जो अखिल की गुरबीर के रूप में सामने आते हैं। इसके परिमांशक रूप बात की जाए दोस्तों, अभिनेत्री नेहा धोपिया एक भारतीय अभिनेत्री मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता की खिताब धारक है और उन्होंने वर्ष 2002 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स 2002 के भारत का प्रतिनिधित्व किया है और उन्होंने कई फिल्मों का निर्माणों पर काम किया है और दोस्तों कई रियलिटी शो में भाग लिया है। उनकी फिल्मी कैरियर की ओर थोड़ा नजर डाले तो दोस्तों उनकी बॉलीवुड में शुरुआत 2003 में की फिल्म कयामत सिटी अंडर थ्रेट से हुई है जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया है। वह चुल्ली ने अपनी शीर्षक भूमिका से प्रसिद्ध हुई और फिर शीशा 2005 में जुड़वा बहनों की दोहरी भूमिका निभाई है। और लेकिन दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके बाद धोपिया ने क्या कुल है हम 2005 में और शूट आउट एट और लेखेंडो वाला 2007 जैसी फिल्मों में अभिनय किया है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है और एंथोलॉजी फिल्म द कहानियां 2007 के एक भाग में दिखाई दी है। अगले वर्षों में धोपिया चुप चुप के 2006 और 1:40 की लास्ट लोकल 2017 और मिथ्या 2008 महारथी 2008 जैसी कई फिल्मों में काम किया है। धोपिया ने रोहित बॉल की डी और डामस जैसे डिजाइनों के लिए रनवे पर मॉडलिंग की है। 2016 में धोपिया ने भारतीय संगीत ऐप और साउंड पर नो फिल्टर नेहा नामक का बॉलीवुड पॉडकास्ट की असाधारण बनाई है और उसे होस्ट किया जिसमें वह बॉलीवुड हस्तियों को साक्षात्कार लेती है। शो को सकारात्मक समीक्षा मिली और जिसमें 2.3 मिलियन से अधिक श्रोता थे। धोपिया ने नंबर 2019 में सीजन 4 की शुरुआत की और पॉडकास्ट शो के वेब सीरीज और विस्तारित करने की योजना बनाई थी। धोपिया ने कर्सन और इंडिया फाउंडेशन का समर्थन करने के लिए मुंबई मैराथन में भाग लिया था और 5,00,000 से अधिक की राशि जुटाने की मदद की थी। उन्होंने 2011 से सिक्किम और भूकंप की पीड़ितों के लिए धन जुटाने
धन जुटाने की भी मदद की है। उन्होंने GR8 महिला पुरस्कार 2012 में प्रदर्शन किया था। धूपिया सहकारी है और उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता जैसे सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय, अनिल कपूर और अभिनेत्री बिपाशा बासु के साथ विशेष अतिथि रूप से श्रीलंका में हीरो गोल्ड फिल्म पुरस्कार 2014 में भाग लिया था। अभिनेत्री धूपिया ने 10 जुलाई 2018 को एक गुदरास में एक निज समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान बिशान सिंह बेदी के बेटे अभिनेता आनंद बेदी से शादी की है। 18 नवंबर 2018 को उन्होंने मेहर धूपिया बेदी नाम की एक लड़की को जन्म दिया था। धूपिया को 2019 की मीडिया में कुछ वर्गों द्वारा भाग्य व्यवस्था के बाद वजन बढ़ाने के लिए शर्मिंदा किया था। 19 जुलाई 2021 को उन्होंने और अगंद ने घोषणा की थी कि वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे की कई फिल्मों में काम किए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म की तो इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री तृति डिमरी और अभिनेता विकी कौशल की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म को रिलीज 19 जुलाई 2024 को रिलीज हुई है और इस फिल्म का रनर टाइम 140 मिनट के साथ बनाई गई है। फिल्म की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में फिल्म की डायरेक्टर आनंद तिवारी और लेखक इशिता मोहित्रा तरुण जुडेजा ने मिलकर लिखे थे। फिल्म की छायाकांत दबोजित रे और संगीत रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, डीजे चेतस, लिजो और जार्ज प्रेम, हरदीप, करण औजला, अभिजीत श्रीवास्तव और एस्कोर अमर मोहिले ने दिए हैं। चैनल पे मूवी फैक्ट, मूवी रिव्यू और मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ दोस्तों न्यू मूवी और ओल्ड मूवी की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम होने वाला है बैड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, बैड न्यूज़ एक हिंदी भाषा की आगामी फिल्म है जिस फिल्म को रिलीज 19 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाएगा। जिस फिल्म को दोस्तों रिलीज कर दी गई है और इस फिल्म का डायरेक्टर आनंद तिवारी ने किया था। फिल्म का लेखक इशिता मोहित्रा और तुरन दुबेजा ने लिखे थे। फिल्म का निर्माता करण जौहर और फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता विक्की कौशल, तृति डिमरी जैसे और बड़े स्टार दिखाई देंगे। फिल्म बैड न्यूज एक आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। Amazon प्राइम वीडियो और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस फिल्म में विक्की कौशल, तृति डिमरी और एमी विर्क है। यह फिल्म मूल फिल्म गुड न्यूज यह 2019 का अकादमिक सिक्वल है और मूल की तरह यह भी गर्भावस्था के गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी हेट्रो पैटनर सुपर कॉन्टेक्शन के गिर्द घूमती है। एक प्रजनन प्रतिक्रिया जिसमें जुड़वा बच्चे की एक ही माँ होती है लेकिन दोस्तों अलग अलग जैविक पिता होते हैं। फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बैड न्यूज मूवी का कुल बजट 80 करोड़ की बजट पर बनी मूवी है और इस मूवी की पहले ही दिन कमाई 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म बैड न्यूज मूवी पहले ही दिन भारत में 8.3 करोड़ का कलेक्शन किया था।
बैड न्यूज मूवी का एक स्टोरी हम बताते हैं जो दोस्तों शुरुआत में होती है, दिखाया जाता है कि त्रिपिटी डेनरी की मम्मी त्रिति को एक पार्टी में लेकर आई है और ताकि किसी लड़के को त्रिप्ति पसंद करे और इन दोनों की शादी हो जाए। इसी पार्टी में विक्की कौशल भी आया है और विक्की कौशल को त्रिपाठी से प्यार हो जाता है। साथ ही त्रिपाठी को करियर में अपने कुछ करना होता है और शादी के बाद त्रिपाठी अपने कैरियर पर फोकस ही नहीं कर पाती है। विक्की कौशल त्रिपाठी तलाक लेना चाहती है और मायके चली जाती है। इसी बीच त्रिपाठी का मुलाकात अम्मी विरक से होता है, जो तृप्ति इतनी टेंशन में होती है कि शराब पी लेती है और एम्मी के साथ मजे करती है और सुबह विक्की कौशल आता है और तृप्ति को मानता है कि फिर इन दोनों के बीच प्यार हो जाती है। वहीं दोस्तों कंफ्यूज हो जाती है और ये कि बच्चे है और विक्की कौशल का या एमी का जब मेडिकल टेस्ट होता है तो पता चलता है कि त्रिप्ति के पेट पर दो बच्चे हैं, विक्की का और एमी का। इसके बाद मूवी देखने में जमकर मजा आता है। आखिर में बच्चा विक्की और त्रिप्ति अपना ले लेती है। वहीं दोस्तों बात करें फिल्म की तो इस फिल्म में सुपरस्टार एक्टर्स विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी, एमी वर्क दिखाई दिए हैं। भारतीय अभिनेता विक्की कौशल यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने कई पुरस्कार के विजेता जीते हैं और फिल्म मसान के लिए जाना जाता है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया था। कौशल के पिता श्याम कौशल एक बॉलीवुड एक्शन निर्देशक और स्टंट समन्वयक है। वह स्लम डॉग और मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। विक्की ने भाई सनी कौशल की फिल्म उद्योग से संबंधित है और वह यह एक सहायक रूप में गुंडे और माय फ्रेंड पिंटो में काम कर चुके हैं। कौशल ने स्नातक की उपाधि और एक इलेक्ट्रॉनिक्स को दूरसंचार इंजीनियर के रूप में 2009 में प्राप्त किया था। उनके पास नौकरी करने का मौका था लेकिन वह एक अभिनेता बनने की आशंका रखते थे और रंगमंच के साथ जुड़ गए थे। कौशल किशोर निमित्त कपूर की एक अभिनय कार्यशाला में शामिल हो गए और विक्की ने एक लघु फिल्म गीक आउट के अलावा लॉस ऑफ और चिकन खुर्राना और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्मों में छोटी भूमिका निभाई है। 2010 में विक्की ने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में सहायक काम किया था। नीरज खैम फिल्म में साइन और निर्देशक थे। जब नीरज ने अपनी फिल्म सम्मान मस्तान पर काम करना शुरू किया तो कौशल को भी एक ऑडियो के लिए बुलाया गया था। नीरज के अनुसार शुरू में वह असंकार थे और क्योंकि दोस्तों कौशल को बनारस जैसे एक छोटे से शहर के लड़के की भूमिका निभानी थी और जबकि वह एक ठंडर पंजाबी पृष्ठभूमि से आया है,
लेकिन दोस्तों ऑडिशन देखने के बाद वह उनकी क्षमता के बारे में अशक्त हो गए हैं। कौशल की दूसरी फिल्म जुबान मार्च 2016 में जारी हुई और यह फिल्म एक युवा लड़के विकी कौशल की कहानी जो बर्ट बाइडेन ने की और बीमारी से ग्रस्त हैं। उनकी अगली फिल्म रमन राघव 2.0 अनुराग कश्यप की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर थी, जिसमें उन्होंने नशे की लत में लत वाले किरदार को निभाया है और विक्की ने बाद में लव पर, स्वेच्छर फूट और लास्ट स्टोरीज में भी भाग काम किया था। 2012 में लव शो के चिकन खुराना और 2013 में गीक आउट, 2015 में बॉम्बे वेलवेट और 2015 में मासन, 2016 में जुबान, 2016 में द हीरो, द बॉलीवुड स्टोरी जैसी कई फिल्मों में काम किए हैं। अभिनेता विक्की कौशल की यह एक फिल्म है जिसका नाम है बैड न्यूज। जी हाँ, इस फिल्म को दर्शकों काफी पसंद किए थे और इस फिल्म को देखना भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसी फिल्म की अभिनेत्री की बात की जाए तो डिमरी तृप्ति डिमरी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। उन्होंने दोस्तों कई प्रिय फिल्मों में जैसे बुलबुल 2020 और कला में निर्देशक किया था। उन्होंने अभिनय जगत की शुरुआत में कॉमेडी फिल्म पोस्टर बयाज 2017 से की और रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू 2018 में उनकी पहले मुख्य भूमिका थी। डिमरी ने बुलबुल में अपनी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण प्रशंसा अर्जित की है। उन्हें फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 2021 की सूची में शामिल किया गया था। भारतीय अभिनेत्री डिमरी ने अपने अभिनय की जगत की शुरुआत में श्रेष्ठ स्तर पर देखे निर्देशक में बनी फिल्म 2017 की कॉमेडी फिल्म पोस्टर बयाज के साथ की और जिसमें सनी देओल, बाबी देओल और तलपटे ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह मराठी फिल्म पोस्टर बयास की एक आधिकारिक का पुनर्निर्माण था और इसमें उन्होंने तलपटे की प्रेमिका के रूप में देखा गया था। उनकी अगली फिल्म इम्तियाज अली की 2018 की रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू में अविनाश तिवारी के साथ एक प्रमुख का भूमिका में दिखाई दी थी। अन्ना एम एस वेटिकार्ड ने फर्स्ट पोस्ट के लिए अपनी समीक्षा में कहा कि वह अपनी लैला को एक धार के साथ इम्ब्यू डी करती है जिसने चरित्र के निरंतर और इसके बाजी को खतरे के साथ विश्वसनीय बना दिया है। डिमरी ने नायिका के रूप में अपनी सफलता हासिल की है। अविंता दत्त की 2020 की अलौकिक थ्रिलर बुलबुल में जिसमें उनके साथ राहुल बोस और पाओली डैम, अविनाश तिवारी और पर प्रमोद बंद्रा चटर्जी भी थे। अनुष्का शर्मा द्वारा निर्मित इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक स्वागत मिला था, जिसमें नारीवाद पर अपने रुख के लिए विशेष रूप से मुख्य भूमिका के लिए डिमरी के प्रदर्शन को सराहा गया था। द हिंदू की नम्रता जोशी ने लिखा कि कमजोर और मासूम से लेकर रहस्यम रूप से परिवर्तन तक डिमरी एक अच्छी अदाकारा है जो अपनी आंखों से बहुत कुछ बोलती है और दर्शकों आनंद उठाते हैं। उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक वेब ओरिजिनल
फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड दिलाया था। डिमरी ने बुलबुल की टीम के साथ उनके अगले होम प्रोडक्शन कला के लिए फिर से काम किया था। इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों द्वारा उसके प्रदर्शन और निर्देशक पाठकथा छायांकन उत्पादन डिजाइन और दृश्य शैली के लिए सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई है। 2022 के बेहतरीन प्रदर्शन में से एक के रूप में इस फिल्म की सराहना करते हुए कई आलोचकों ने डिमरी के प्रदर्शन की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। इन्होंने मार्च 2022 में निर्देशक आनंद तिवारी के साथ अभी तक बिना शीर्षक वाली फिल्म के लिए फिल्मांकन शुरू कर दिया है, जिसमें उनके सह कलाकार विकी कौशल है और वह रणवीर कपूर के साथ संदीप रेड्डी वंगा की एनिमल में भी अभिनय करेगी। डिमरी को फोर्ब्स एशियाई ने 2021 की 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया था। वह रेडिफ.कॉम की 2020 की बॉलीवुड की शीर्षक अभिनेत्री की सूची में 8वें स्थान पर रही है। वह दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की 2020 की 50 से 50 सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में 20 स्थान पर रही है। बात की जाए दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री डिमरी की, तो यह फिल्म में बैड न्यूज में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई दी है। वहीं दोस्तों अमरिंदर पाल सिंह यो जिन्होंने उनके मंच नाम एमी विर्क से अधिक जाना जाता है, यह एक पंजाबी गायक है, फिल्म के निर्माता, और उन्होंने अंग्रेजी 2015 में, हकम निका जलदार 2016 में निका और किसम 2018 में शिवजीत की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म की आगमन के बाद निर्माताओं की घोषणा मंच 2014 में करण जौहर द्वारा की गई थी, जिसका शुरू में किया गया था और शीर्षक मेरे महबूब मेरे सनम रखा गया था और बाद में इसे बदलकर बैड न्यूज कर दिया गया था और मार्केटिंग सहित फिल्म का कुल बजट 80 करोड़ का था। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में शुरू हुई और उत्पादन जुलाई 2023 में पूरा हुआ था। रब्बा वर्गा गीत को क्रोएशिया के निर्देशक स्थानों पर शूट किया गया था और फिल्म का संगीत रोचक कोहली विशाल मिश्रा लिजो जार्ज डीजे चेतस और प्रेम हरदीप करण और ओलाजा और अभिजीत श्रीवास्तव ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले ने तैयार किया है। तोहफा तोहफा शीर्षक वाला पहला एकल 2 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था। जानम शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी और मेरे महबूब मेरे सनम शीर्षक वाला तीसरा एकल 1998 को फिल्म डुप्लीकेट मूल रूप से अनु मलिक द्वारा रचित थे। फिल्म की कथना की ओर थोड़ा नजर डालें तो दोस्तों सलोनी बक्का एक शेफ है जो अपने रिश्तेदार और केमिस्ट मेरिट की स्टार जीतने का सपना देखती है। वह अखिल चड्डा से मिलती है और वो और तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं। हालांकि जल्द ही उनकी शादी में समस्याएं आने लगती है, जिसमें से एक समस्या यह होती है कि उसके रेस्तरा को अपना मेरा के स्टार
खोना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप सलोनी की नौकरी से निकाल दिया जाता है और इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपति तलाक लेने का फैसला करते हैं। सलोनी की फिर और गुरवीर सिंह पन्नू के स्वामित्व वाले एक रेस्तरा में काम करने के लिए मामूरी चली जाती है। घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरवीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है। उसी रात अखिल उसके कमरे में आता है और उसे वापस चलाता है और वो दोनों एक रात का रिश्ता बनाते हैं। इन मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती होती है हो जाती है और बच्चे के पिता निर्धारित करने के लिए प्रतित्व प्रशिक्षण कराने के बाद उसे पता चलाता है कि जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। मामले को दबतर बनाने के लिए उसे उसके डॉक्टर ने बताया है कि हेट्रोपेटनर्न और सुपर फैक्डेन नामक का एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। परिणाम स्वरूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता है जो अखिल की गुरवीर के रूप में सामने आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बात की जाए दोस्तों, अभिनेत्री नेहा धोपिया एक भारतीय अभिनेत्री मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता की खिताब धारक है और उन्होंने वर्ष 2002 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स 2002 के भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इन्होंने कई फिल्मों का निर्माणों पर काम किया है और दोस्तों कई रियलिटी शो में भाग लिया है। उनकी फिल्मी कैरियर की ओर थोड़ा नजर डालें तो दोस्तों उनकी बॉलीवुड में शुरुआत 2003 में की फिल्म कयामत सिटी अंडर थ्रेट से हुई है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया है। वजुल्ली ने अपनी शीर्षक भूमिका से प्रसिद्ध हुई और फिर शीशा 2005 में जुड़वा बहनों की दोहरी भूमिका निभाई है। और लेकिन दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके बाद धोपिया ने क्या कुल है हम 2005 में और शूट आउट एट और लेखेंडो वाला 2007 जैसे फिल्मों में अभिनय किया है, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है और एंथोलॉजी फिल्म द कहानियां 2007 के एक भाग में दिखाई दी है। अगले वर्ष में धोपिया चुप चुप के 2006 और 1:40 की लास्ट लोकल 2017 और मिथ्या 2007 और मिथ्या 2008 महारथी 2008 जैसी कई फिल्मों में काम किया है। धोपिया ने रोहित बॉल की डी और डामस जैसे डिजाइनों के लिए रनवे पर मॉडलिंग की है। 2016 में धोपिया ने भारतीय संगीत ऐप और साउंड पर नो फिल्टर नेहा नामक का बॉलीवुड पॉडकास्ट की असाधारण बनाई है और उसे होस्ट किया, जिसमें वह बॉलीवुड हस्तियों को साक्षात्कार लेती है। शो को सकारात्मक समीक्षा मिली और जिसमें 2.3 मिलियन से अधिक श्रोता थे। धोपिया ने नंबर 2019 में सीजन 4 की शुरुआत की और पॉडकास्ट शो के वेब सीरीज और विस्तारित करने की योजना बनाई थी। धोपिया ने कर्सन और इंडिया फाउंडेशन का समर्थन करने के लिए मुंबई मैराथन में भाग लिया था
और 5 लाख से अधिक की राशि जुटाने की मदद की थी। उन्होंने 2011 से सिक्किम और भूकंप की पीड़ितों के लिए धन जुटाने की भी मदद की है। उन्होंने GR8 महिला पुरस्कार 2012 में प्रदर्शन किया था। धूपिया सहकारी है और उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता जैसे सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय, अनिल कपूर और अभिनेत्री बिपाशा बासु के साथ विशेष अतिथि रूप से श्रीलंका में हीरो गोल्ड फिल्म पुरस्कार 2014 में भाग लिया था। अभिनेत्री धूपिया ने 10 जुलाई 2018 को एक गुजरात में एक निज समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान बिशान सिंह बेदी के बेटे अभिनेता आनंद बेदी से शादी की है। 18 नवंबर 2018 को उन्होंने मेहर धूपिया बेदी नाम की एक लड़की को जन्म दिया था। धूपिया को 2019 की मीडिया में कुछ वर्गों द्वारा भाग्य व्यवस्था के बाद वजन बढ़ाने के लिए शर्मिंदा किया था। 19 जुलाई 2021 को उन्होंने और अगंद ने घोषणा की थी कि वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे की कई फिल्मों में काम किए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म की तो इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री कृति डिमरी और अभिनेता विक्की कौशल की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म को रिलीज 19 जुलाई 2024 को रिलीज हुई है और इस फिल्म का रनर टाइम 1 से 40 मिनट के साथ बनाई गई है। फिल्म की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में फिल्म की डायरेक्टर आनंद तिवारी और लेखक इशिता मोइत्रा तरुण जो डिज्जा ने मिलकर लिखे थे। फिल्म की छायाकांत दबोजित रे और जिसका नाम संगीत है रोचक बैड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, बैड न्यूज एक हिंदी भाषा की आगामी फिल्म है जिस फिल्म को रिलीज 19 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाएगा। जिस फिल्म को दोस्तों रिलीज कर दी गई है और इस फिल्म का डायरेक्टर आनंद तिवारी ने किया था। फिल्म का लेखक इशिता मोहित्रा और तुरन दुबेजा ने लिखे थे। फिल्म का निर्माता करण जौहर और फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता विक्की कौशल, त्रुटि डिमरी जैसे और बड़े स्टार दिखाई देंगे। फिल्म बैड न्यूज एक आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। Amazon प्राइम वीडियो और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस फिल्म में विक्की कौशल, त्रिति डिमरी और एमी विर्क है। यह फिल्म मूल फिल्म गुड न्यूज यह 2019 का अत्याधुनिक सिक्वल है और मूल की तरह यह भी गर्भावस्था के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी हेट्रो पैटर्नल सुपर कंडक्शन के इर्द-गिर्द घूमती है। एक प्रजनन प्रतिक्रिया जिसमें जुड़वा बच्चे की एक ही माँ होती है, लेकिन दोस्तों अलग अलग जैविक पिता होते हैं। फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बैड न्यूज मूवी का कुल बजट 80 करोड़ की बजट पर बनी मूवी है और इस मूवी की पहले ही दिन कमाई 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म बैड न्यूज मूवी पहले ही दिन भारत में 8.3 करोड़ का कलेक्शन किया था। बैड न्यूज मूवी का स्टोरी हम बताते हैं जो दोस्तों शुरुआत में होती है। दिखाया जाता है कि त्रिपीटी डेंडी की मम्मी त्रिति को एक पार्टी में लेकर आई है और ताकि
किसी लड़के को तृप्ति पसंद करे और इन दोनों की शादी हो जाए। इसी पार्टी में विक्की कौशल भी आया है और विक्की कौशल को त्रिपाठी से प्यार हो जाता है। साथ ही त्रिपाठी को करियर में अपने कुछ करना होता है और शादी के बाद त्रिपाठी अपने कैरियर पर फोकस ही नहीं कर पाती है। विक्की कौशल त्रिपाठी तलाक लेना चाहती है और मायके चली जाती है। इसी बीच त्रिपाठी का मुलाकात अम्मी विरक से होता है, जो तृप्ति इतनी टेंशन में होती है कि शराब पी लेती है और अम्मी के साथ मजे करती है और सुबह विक्की कौशल आता है और तृप्ति को मानता है कि फिर इन दोनों के बीच प्यार हो जाती है। वहीं दोस्तों कंफ्यूज हो जाती है और ये कि बच्चे है और विक्की कौशल का या एमी का जब मेडिकल टेस्ट होता है तो पता चलता है कि तृप्ति के पेट पर दो बच्चे हैं, विक्की का और एमी का। इसके बाद मूवी देखने में जमकर मजा आता है। आखिर में बच्चा विक्की और तृप्ति अपना ले लेती है। वहीं दोस्तों बात करें फिल्म की तो इस फिल्म में सुपरस्टार एक्टर्स विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी, एमी वर्क दिखाई दिए हैं। भारतीय अभिनेता विक्की कौशल यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने कई पुरस्कार के विजेता जीते हैं और फिल्म मसान के लिए जाना जाता है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया था। कौशल के पिता श्याम कौशल एक बॉलीवुड एक्शन निर्देशक और स्टंट समन्वयक है। वह स्लम डॉग और मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। विक्की ने भाई सनी कौशल की फिल्म उद्योग से संपत्ति संबंधित है और वह यह एक सहायक रूप में गुंडे और माय फ्रेंड पिंटो में काम कर चुके हैं। कौशल ने स्नातक की उपाधि और एक इलेक्ट्रॉनिक्स को दूरसंचार इंजीनियर के रूप में 2009 में प्राप्त किया था। उनके पास नौकरी करने का मौका था लेकिन वह एक अभिनेता बनने की आशंका रखते थे और रंगमंच के साथ जुड़ गए थे। कौशल किशोर निमित्त कपूर की एक अभिनय कार्यशाला में शामिल हो गए और विक्की ने एक लघु फिल्म गीक आउट के अलावा लौ सौते और चिकन खुर्राना और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्मों में छोटी भूमिका निभाई है। 2010 में विक्की ने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में सहायक काम किया था। नीरज ख्याम फिल्म में साइन और निर्देशक थे। जब नीरज ने अपनी फिल्म सम्मान मसान पर काम करना शुरू किया तो कौशल को भी एक ऑडियो के लिए बुलाया गया था। नीरज के अनुसार शुरू में वह असंकार थे और क्योंकि दोस्तों कौशल को बनारस जैसे एक छोटे से शहर के लड़के की भूमिका निभानी थी और जबकि वह एक ठंडर पंजाबी पृष्ठभूमि से आया है। लेकिन दोस्तों ऑडिशन देखने के बाद वह उनकी क्षमता के बारे में अशक्त हो गए हैं। कौशल की दूसरी फिल्म जुबान
मार्च 2016 में जारी हुई और यह फिल्म एक युवा लड़के विकी कौशल की कहानी जो बर्ट बाइडेन ने की और बीमारी से ग्रस्त हैं। उनकी अगली फिल्म रमन राघव 2.0 अनुराग कश्यप की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर थी, जिसमें उन्होंने नशे की लत में लत वाले किरदार को निभाया है और विक्की ने बाद में लव पर, स्वेच्छर फूट और लास्ट स्टोरीज में भी भाग काम किया था। 2012 में लव शो के चिकन खुराना और 2013 में गीक आउट, 2015 में बॉम्बे वेलवेट और 2015 में मासन, 2016 में जुबान, 2016 में द हीरो, द बॉलीवुड स्टोरी जैसी कई फिल्मों में काम किए हैं। अभिनेता विक्की कौशल की यह एक फिल्म है जिसका नाम है बैड न्यूज। जी हाँ, इस फिल्म को दर्शकों काफी पसंद किए थे और इस फिल्म को देखना भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसी फिल्म की अभिनेत्री की बात की जाए तो डिमरी तृप्ति डिमरी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। उन्होंने दोस्तों कई प्रिय फिल्मों में जैसे बुलबुल 2020 और कला में निर्देशक किया था। उन्होंने अभिनय जगत की शुरुआत में कॉमेडी फिल्म पोस्टर बयाज 2017 से की और रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू 2018 में उनकी पहले मुख्य भूमिका थी। डिमरी ने बुलबुल में अपनी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण प्रशंसा अर्जित की है। उन्हें फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 2021 की सूची में शामिल किया गया था। भारतीय अभिनेत्री डिमरी ने अपने अभिनय की जगत की शुरुआत में श्रेष्ठ स्तर पर देखे निर्देशक में बनी फिल्म 2017 की कॉमेडी फिल्म पोस्टर बयाज के साथ की और जिसमें सोनी देओल, बाबी देओल और तलपटे ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह मराठी फिल्म पोस्टर बयास की एक आधिकारिक पुनर्निर्माण था और इसमें उन्होंने तलपटे की प्रेमिका के रूप में देखा गया था। उनकी अगली फिल्म इम्तियाज अली की 2018 की रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू में अविनाश तिवारी के साथ एक प्रमुख भूमिका में दिखाई दी थी। अन्ना एम एस वेटिकार्ड ने फर्स्ट पोस्ट के लिए अपनी समीक्षा में कहा कि वह अपनी लैला को एक धार के साथ इम्ब्यूडी करती है जिसने चरित्र के निरंतर और इसके बाजी को खतरे के साथ विश्वसनीय बना दिया है। तिमरी ने नायिका के रूप में अपनी सफलता हासिल की है। अविंता दत्त की 2020 की अलौकिक थ्रिलर बुलबुल में जिसमें उनके साथ राहुल बोस और पाओली डैम, अविनाश तिवारी और पर प्रमोद बंद्र चटर्जी भी थे। अनुष्का शर्मा द्वारा निर्मित इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक स्वागत मिला था, जिसमें नारीवाद पर अपने रुख के लिए विशेष रूप से मुख्य भूमिका के लिए टिमरी के प्रदर्शन को सराहा गया था। द हिंदू की नम्रता जोशी ने लिखा कि कमजोर और मासूम से लेकर रहस्यम रूप से परिवर्तन तक टिमरी एक अच्छी अदाकारा है जो अपनी आंखों से बहुत कुछ बोलती है और दर्शकों आनंद उठाते हैं। उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक वेब ओरिजिनल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड दिलाया था। डिमरी ने बुलबुल की टीम के साथ उनके अगले होम प्रोडक्शन कला के लिए फिर से काम किया था।
इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों द्वारा उसके प्रदर्शन और निर्देशक पाठक छायाकरण उत्पादन डिजाइन और दृश्य शैली के लिए सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई है। 2022 के बेहतरीन प्रदर्शन में से एक के रूप में इस फिल्म की सराहना करते हुए कई आलोचकों ने डिमरी के प्रदर्शन की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। इन्होंने मार्च 2022 में निर्देशक आनंद तिवारी के साथ अभी तक बिना शीर्षक वाली फिल्म के लिए फिल्मांकन शुरू कर दिया है, जिसमें उनके सह कलाकार विकी कौशल है और वह रणवीर कपूर के साथ संदीप रेड्डी वंगा की एनिमल में भी अभिनय करेगी। डिमरी को फोर्ब्स एशियाई ने 2021 की 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया था। वह Rediff.com की 2020 की बॉलीवुड की शीर्षक अभिनेत्री की सूची में 8वें स्थान पर रही है। वह दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की 2020 की 50 से 50 सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में 20 स्थान पर रही है। बात की जाए दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री डिमरी की, तो यह फिल्म में बैड न्यूज में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई दी है। वहीं दोस्तों अमरिंदर पाल सिंह यो जिन्होंने उनके मंच नाम एमी विर्क से अधिक जाना जाता है, यह एक पंजाबी गायक है, फिल्म के निर्माता, और उन्होंने अंग्रेजी 2015 में हकम निका, जलदार 2016 में निका और किसम 2018 में सिरजीत की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म की आगमन के बाद निर्माताओं की घोषणा मंच 2014 में करण जौहर द्वारा की गई थी, जिसका शुरू में किया गया था और शीर्षक मेरे महबूब मेरे सनम रखा गया था और बाद में इसे बदलकर बैड न्यूज कर दिया गया था और मार्केटिंग सहित फिल्म का कुल बजट 80 करोड़ का था। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में शुरू हुई और उत्पादन जुलाई 2023 में पूरा हुआ था। रब्बा वर्गा गीत को क्रोएशिया के निर्देशक स्थानों पर शूट किया गया था और फिल्म का संगीत रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, लिजो जार्ज, डीजे चेतस और प्रेम हरदीप करण और ओलाजा और अभिजीत श्रीवास्तव ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले ने तैयार किया है। तोहफा तोहफा शीर्षक वाला पहला एकल 2 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था। जानम शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी और मेरे महबूब मेरे सनम शीर्षक वाला तीसरा एकल 1998 को फिल्म डुप्लीकेट मूल रूप से अनु मलिक द्वारा रचित थे। फिल्म की कथना की ओर थोड़ा नजर डालें तो दोस्तों सलोनी बक्का एक शेफ है जो अपने रिश्तेदार और केमिस्ट मेरिट की स्टार जीतने का सपना देखती है। वह अखिल चड्डा से मिलती है और वो और तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं। हालांकि जल्द ही उनकी शादी में समस्याएं आने लगती है, जिसमें से एक समस्या यह होती है कि उसके रिश्तेदार को अपना मेरा के स्टार खोना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप सलोनी की नौकरी से निकाल दिया जाता है और इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपति तलाक लेने
का फैसला करते हैं। सलोनी की फिर और गुरबीर सिंह पन्नू के स्वामित्व वाले एक रेस्तरा में काम करने के लिए मम्मूरी चली जाती है। घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है। उसी रात अखिल उसके कमरे में आता है और उसे वापस चलाता है और वो दोनों एक रात का रिश्ता बनाते हैं। इन मुलाकातों की परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती होती है हो जाती है और बच्चे के पिता निर्धारित करने के लिए प्रत्युत्व प्रशिक्षण कराने के बाद उसे पता चलाता है कि जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। मामले को दबतर बनाने के लिए उसे उसके डॉक्टर ने बताया है कि हेट्रोपेटनर्न और सुपर फैक्डेन नामक का एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। परिमांशक रूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता है जो अखिल की गुरबीर के रूप में सामने आते हैं। इसके परिमांशक रूप बात की जाए दोस्तों अभिनेत्री नेहा धोपिया एक भारतीय अभिनेत्री मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता की खिताब धारक है और उन्होंने वर्ष 2002 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स 2002 के भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इन्होंने कई फिल्मों का निर्माणों पर काम किया है और दोस्तों कई रियलिटी शो में भाग लिया है। उनकी फिल्मी कैरियर की ओर थोड़ा नजर डालें तो दोस्तों उनकी बॉलीवुड में शुरुआत 2003 में की फिल्म कयामत सिटी अंडर थ्रेट से हुई है जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया है। वह चुल्ली में अपनी शीर्षक भूमिका से प्रसिद्ध हुई और फिर शीशा 2005 में जुड़वा बहनों की दोहरी भूमिका निभाई है। और लेकिन दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके बाद धोपिया ने क्या कुल है हम 2005 में और शूट आउट एट और लेखेंडो वाला 2007 जैसी फिल्मों में अभिनय किया है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है और एंथोलॉजी फिल्म द कहानियां 2007 के एक भाग में दिखाई दी है। अगले वर्षों में धोपिया चुप चुप के 2006 और 1:40 की लास्ट लोकल 2017 और मिथ्या 2008 महारथी 2008 जैसी कई फिल्मों में काम किया है। धोपिया ने रोहित बॉल की डी और डामस जैसे डिजाइनों के लिए रनवे पर मॉडलिंग की है। 2016 में धोपिया ने भारतीय संगीत ऐप और साउंड पर नो फिल्टर नेहा नामक का बॉलीवुड पॉडकास्ट की असाधारण बनाई है और उसे होस्ट किया जिसमें वह बॉलीवुड हस्तियों को साक्षात्कार लेती है। शो को सकारात्मक समीक्षा मिली और जिसमें 2.3 मिलियन से अधिक श्रोता थे। धोपिया ने नंबर 2019 में सीजन 4 की शुरुआत की और पॉडकास्ट शो के वेब सीरीज और विस्तारित करने की योजना बनाई थी। धोपिया ने कर्सन और इंडिया फाउंडेशन का समर्थन करने के लिए मुंबई मैराथन में भाग लिया था और 5,00,000 से अधिक की राशि जुटाने की मदद की थी। उन्होंने 2011 से सिक्किम और भूकंप की पीड़ितों के लिए धन जुटाने
धन जुटाने की भी मदद की है। उन्होंने GR8 महिला पुरस्कार 2012 में प्रदर्शन किया था। धूपिया सहकारी है और उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता जैसे सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय, अनिल कपूर और अभिनेत्री बिपाशा बासु के साथ विशेष अतिथि रूप से श्रीलंका में हीरो गोल्ड फिल्म पुरस्कार 2014 में भाग लिया था। अभिनेत्री धूपिया ने 10 जुलाई 2018 को एक गुद्रास में एक निज समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान बिशान सिंह बेदी के बेटे अभिनेता आनंद बेदी से शादी की है। 18 नवंबर 2018 को उन्होंने मेहर धूपिया बेदी नाम की एक लड़की को जन्म दिया था। धूपिया को 2019 की मीडिया में कुछ वर्गों द्वारा भाग्य व्यवस्था के बाद वजन बढ़ाने के लिए शर्मिंदा किया था। 19 जुलाई 2021 को उन्होंने और अगंद ने घोषणा की थी कि वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे की कई फिल्मों में काम किए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म की तो इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री तृति डिमरी और अभिनेता विकी कौशल की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म को रिलीज 19 जुलाई 2024 को रिलीज हुई है और इस फिल्म का रनर टाइम 140 मिनट के साथ बनाई गई है। फिल्म की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में फिल्म की डायरेक्टर अनंत तिवारी और लेखक इशिता मोइत्रा तरुण जो डेजा ने मिलकर लिखे थे। फिल्म की छायाकान दबोजित रे और संगीत रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, डीजे चेतस, लिजो और जार्ज, प्रेम हरदीप, करण औजला, अभिजीत श्रीवास्तव और एस्को अमर मोहित हैं। बैड न्यूज, जी हाँ दोस्तों, बैड न्यूज एक हिंदी भाषा की आगामी फिल्म है जिस फिल्म को रिलीज 19 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाएगा। जिस फिल्म को दोस्तों रिलीज कर दी गई है और इस फिल्म का डायरेक्टर आनंद तिवारी ने किया था। फिल्म का लेखक इशिता मोहित्रा और तुरन दुबेजा ने लिखे थे। फिल्म का निर्माता करण जौहर और फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता विक्की कौशल, तृति डिमरी जैसे और बड़े स्टार दिखाई देंगे। फिल्म बैड न्यूज एक आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। Amazon प्राइम वीडियो और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस फिल्म में विक्की कौशल, तृति डिमरी और एमी विर्क है। यह फिल्म मूल फिल्म गुड न्यूज यह 2019 का अत्याधुनिक सीक्वल है और मूल की तरह यह भी गर्भावस्था के गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी हेट्रो पैटनर सुपर कॉन्टेक्शन के गिर्द घूमती है। एक प्रजनन प्रतिक्रिया जिसमें जुड़वा बच्चे की एक ही माँ होती है लेकिन दोस्तों अलग अलग जैविक पिता होते हैं। फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बैड न्यूज मूवी का कुल बजट 80 करोड़ की बजट पर बनी मूवी है और इस मूवी की पहले ही दिन कमाई 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म बैड न्यूज मूवी पहले ही दिन भारत में 8.3 करोड़ का कलेक्शन किया था। बैड न्यूज मूवी का स्टोरी हम बताते हैं जो दोस्तों शुरुआत में होती है, दिखाया जाता है कि त्रिपिटी डेंडी की मम्मी तृति को एक पार्टी में लेकर आई है और ताकि
किसी लड़के को तृप्ति पसंद करे और इन दोनों की शादी हो जाए। इसी पार्टी में विक्की कौशल भी आया है और विक्की कौशल को त्रिपाठी से प्यार हो जाता है। साथ ही दोस्तों त्रिपाठी को करियर में अपने कुछ करना होता है और शादी के बाद त्रिपाठी अपने कैरियर पर फोकस ही नहीं कर पाती है। विक्की कौशल त्रिपाठी तलाक लेना चाहती है और मायके चली जाती है। इसी बीच त्रिपाठी का मुलाकात अम्मी विरक से होता है, जो तृप्ति इतनी टेंशन में होती है कि शराब पी लेती है और अम्मी के साथ मजे करती है और सुबह विक्की कौशल आता है और तृप्ति को मानता है कि फिर इन दोनों के बीच प्यार हो जाती है। वहीं दोस्तों कंफ्यूज हो जाती है और ये कि बच्चे है और विक्की कौशल का या एमी का जब मेडिकल टेस्ट होता है तो पता चलता है कि तृप्ति के पेट पर दो बच्चे हैं, विक्की का और एमी का। इसके बाद मूवी देखने में जमकर मजा आता है। आखिर में बच्चा विक्की और तृप्ति अपना ले लेती है। वहीं दोस्तों बात करें फिल्म की तो इस फिल्म में सुपरस्टार एक्टर्स विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी, एमी वर्क दिखाई दिए हैं। भारतीय अभिनेता विक्की कौशल यह एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने कई पुरस्कार के विजेता जीते हैं और फिल्म मसान के लिए जाना जाता है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया था। कौशल के पिता श्याम कौशल एक बॉलीवुड एक्शन निर्देशक और स्टंट समन्वयक है। वह स्लमडॉग और मिलियनेयर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। विक्की ने भाई सनी कौशल की फिल्म उद्योग से संबंधित है और वह यह एक सहायक रूप में गुंडे और माई फ्रेंड पिंटो में काम कर चुके हैं। कौशल ने स्नातक की उपाधि और एक इलेक्ट्रॉनिक्स को दूरसंचार इंजीनियर के रूप में 2009 में प्राप्त किया था। उनके पास नौकरी करने का मौका था लेकिन वह एक अभिनेता बनने की आशंका रखते थे और रंगमंच के साथ जुड़ गए थे। कौशल किशोर निमित्त कपूर की एक अभिनय कार्यशाला में शामिल हो गए और विक्की ने एक लघु फिल्म गीक आउट के अलावा लौ सौते और चिकन खुर्राना और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्मों में छोटी भूमिका निभाई है। 2010 में विक्की ने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में सहायक काम किया था। नीरज ध्याम फिल्म में साइन और निर्देशक थे। जब नीरज ने अपनी फिल्म सम्मान मस्तान पर काम करना शुरू किया तो कौशल को भी एक ऑडियो के लिए बुलाया गया था। नीरज के अनुसार शुरू में वह असंकार थे और क्योंकि दोस्तों कौशल को बनारस जैसे एक छोटे से शहर के लड़के की भूमिका निभानी थी और जबकि वह एक ठंडर पंजाबी पृष्ठभूमि से आया है। लेकिन दोस्तों ऑडिशन देखने के बाद वह उनकी क्षमता के बारे में अशक्त हो गए हैं। कौशल की दूसरी फिल्म जुबान
मार्च 2016 में जारी हुई और यह फिल्म एक युवा लड़के विकी कौशल की कहानी जो बर्ट बाइडेन ने की और बीमारी से ग्रस्त हैं। उनकी अगली फिल्म रमन राघव 2.0 अनुराग कश्यप की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर थी, जिसमें उन्होंने नशे की लत में लत वाले किरदार को निभाया है और विक्की ने बाद में लव पर, स्वेच्छर फूट और लास्ट स्टोरीज में भी भाग काम किया था। 2012 में लव शो के चिकन खुराना और 2013 में गीक आउट, 2015 में बॉम्बे वेलवेट और 2015 में मासन, 2016 में जुबान, 2016 में द हीरो, द बॉलीवुड स्टोरी जैसी कई फिल्मों में काम किए हैं। अभिनेता विक्की कौशल की यह एक फिल्म है जिसका नाम है बैड न्यूज। जी हाँ, इस फिल्म को दर्शकों काफी पसंद किए थे और इस फिल्म को देखना भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसी फिल्म की अभिनेत्री की बात की जाए तो डिमरी तृप्ति डिमरी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। उन्होंने दोस्तों कई प्रिय फिल्मों में जैसे बुलबुल 2020 और कला में निर्देशक किया था। उन्होंने अभिनय जगत की शुरुआत में कॉमेडी फिल्म पोस्टर बयाज 2017 से की और रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू 2018 में उनकी पहले मुख्य भूमिका थी। डिमरी ने बुलबुल में अपनी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण प्रशंसा अर्जित की है। उन्हें फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 2021 की सूची में शामिल किया गया था। भारतीय अभिनेत्री डिमरी ने अपने अभिनय की जगत की शुरुआत में श्रेष्ठ स्तर पर देखे निर्देशक में बनी फिल्म 2017 की कॉमेडी फिल्म पोस्टर बयाज के साथ की और जिसमें सोनी देओल, बाबी देओल और तलपटे ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह मराठी फिल्म पोस्टर बयास की एक आधिकारिक पुनर्निर्माण था और इसमें उन्होंने तलपटे की प्रेमिका के रूप में देखा गया था। उनकी अगली फिल्म इम्तियाज अली की 2018 की रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू में अविनाश तिवारी के साथ एक प्रमुख भूमिका में दिखाई दी थी। अन्ना एम एस वेटिकार्ड ने फर्स्ट पोस्ट के लिए अपनी समीक्षा में कहा कि वह अपनी लैला को एक धार के साथ इम्ब्यूडी करती है जिसने चरित्र के निरंतर और इसके बाजी को खतरे के साथ विश्वसनीय बना दिया है। डिमरी ने नायिका के रूप में अपनी सफलता हासिल की है। अविंता दत्त की 2020 की अलौकिक थ्रिलर बुलबुल में जिसमें उनके साथ राहुल बोस और पाओली डैम, अविनाश तिवारी और पर प्रमोद बंद्र चटर्जी भी थे। अनुष्का शर्मा द्वारा निर्मित इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक स्वागत मिला था, जिसमें नारीवाद पर अपने रुख के लिए विशेष रूप से मुख्य भूमिका के लिए डिमरी के प्रदर्शन को सराहा गया था। द हिंदू की नम्रता जोशी ने लिखा कि कमजोर और मासूम से लेकर रहस्यम रूप से परिवर्तन तक डिमरी एक अच्छी अदाकारा है जो अपनी आंखों से बहुत कुछ बोलती है और दर्शकों आनंद उठाते हैं। उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक वेब ओरिजिनल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड दिलाया था। डिमरी ने बुलबुल की टीम के साथ उनके अगले होम प्रोडक्शन कला के लिए फिर से काम किया था।
इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों द्वारा उसके प्रदर्शन और निर्देशक पाठकथा छायांकन उत्पादन डिजाइन और दृश्य शैली के लिए सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई है। 2022 के बेहतरीन प्रदर्शन में से एक के रूप में इस फिल्म की सराहना करते हुए कई आलोचकों ने डिमरी के प्रदर्शन की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। इन्होंने मार्च 2022 में निर्देशक आनंद तिवारी के साथ अभी तक बिना शीर्षक वाली फिल्म के लिए फिल्मांकन शुरू कर दिया है, जिसमें उनके सह कलाकार विकी कौशल है और वह रणवीर कपूर के साथ संदीप रेड्डी वंगा की एनिमल में भी अभिनय करेगी। डिमरी को फोर्ब्स एशियाई ने 2021 की 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया था। वह Rediff.com की 2020 की बॉलीवुड की शीर्षक अभिनेत्री की सूची में 8वें स्थान पर रही है। वह दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की 2020 की 50 से 50 सबसे वाचनीय महिलाओं की सूची में 20 स्थान पर रही है। बात की जाए दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री डिमरी की, तो यह फिल्म में बैड न्यूज में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई दी है। वहीं दोस्तों अमरिंदर पाल सिंह यो जिन्होंने उनके मंच नाम एमी विर्क से अधिक जाना जाता है, यह एक पंजाबी गायक है, फिल्म के निर्माता, और उन्होंने अंग्रेजी 2015 में हकम निक्का, जलदार 2016 में निक्का और किसम 2018 में सिरजीत की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म की आगमन के बाद निर्माताओं की घोषणा मंच 2014 में करण जौहर द्वारा की गई थी, जिसका शुरू में किया गया था और शीर्षक मेरे महबूब मेरे नाम रखा गया था और बाद में इसे बदलकर बैड न्यूज कर दिया गया था और मार्केटिंग सहित फिल्म का कुल बजट 80 करोड़ का था। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में शुरू हुई और उत्पादन जुलाई 2023 में पूरा हुआ था। रब्बा वर्गा गीत को क्रोएशिया के निर्देशक स्थानों पर शूट किया गया था और फिल्म का संगीत रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, लिजो जार्ज, डीजे चेतस और प्रेम हरदीप करण और ओलाजा और अभिजीत श्रीवास्तव ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले ने तैयार किया है। तोहफा तोहफा शीर्षक वाला पहला एकल 2 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था। जानम शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी और मेरे महबूब मेरे सनम शीर्षक वाला तीसरा एकल 1998 को फिल्म डुप्लीकेट मूल रूप से अनु मलिक द्वारा रचित है। फिल्म की कथना की ओर थोड़ा नजर डालें तो दोस्तों सलोनी बक्का एक शेफ है जो अपने रिश्तेदार और केमिस्ट मेरिट की स्टार जीतने का सपना देखती है। वह अखिल चड्डा से मिलती है और वो और तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं। हालांकि जल्द ही उनकी शादी में समस्याएं आने लगती है, जिसमें से एक समस्या यह होती है कि उसके रेस्तरा को अपना मेरा के स्टार खोना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप सलोनी की नौकरी से निकाल दिया जाता है और इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपति तलाक लेने
का फैसला करते हैं। सलोनी की फिर और गुरबीर सिंह पन्नू के स्वामित्व वाले एक रेस्तरा में काम करने के लिए मामूरी चली जाती है। घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत सलोनी गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है। उसी रात अखिल उसके कमरे में आता है और उसे वापस चलाता है और वो दोनों एक रात का रिश्ता बनाते हैं। इन मुलाकातों की परिणाम स्वरूप सलोनी गर्भवती होती है हो जाती है और बच्चे के पिता निर्धारित करने के लिए प्रतित्व प्रशिक्षण कराने के बाद उसे पता चलाता है कि जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। मामले को दबतर बनाने के लिए उसे उसके डॉक्टर ने बताया है कि हेट्रोपेटनर्न और सुपर फैक्डेन नामक का एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। परिमांशक रूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता है जो अखिल की गुरबीर के रूप में सामने आते हैं। इसके परिमांशक रूप बात की जाए दोस्तों, अभिनेत्री नेहा धोपिया एक भारतीय अभिनेत्री मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता की खिताब धारक है और उन्होंने वर्ष 2002 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स 2002 के भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इन्होंने कई फिल्मों का निर्माणों पर काम किया है और दोस्तों कई रियलिटी शो में भाग लिया है। उनकी फिल्मी कैरियर की ओर थोड़ा नजर डालें तो दोस्तों, उनकी बॉलीवुड में शुरुआत 2003 में की फिल्म कयामत सिटी अंडर थ्रेट से हुई है जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया है। वह चुल्ली में अपनी शीर्षक भूमिका से प्रसिद्ध हुई और फिर शीशा 2005 में जुड़वा बहनों की दोहरी भूमिका निभाई है। और लेकिन दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके बाद धोपिया ने क्या कुल है हम 2005 में और शूट आउट एट और लेखेंड वाला 2007 जैसी फिल्मों में अभिनय किया है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है और एंथोलॉजी फिल्म द कहानियां 2007 के एक भाग में दिखाई दी है। अगले वर्ष में धोपिया चुप चुप के 2006 और 1:40 की लास्ट लोकल 2017 और मिथ्या 2008 महारथी 2008 जैसी कई फिल्मों में काम किया है। धोपिया ने रोहित बॉल की डी और डामस जैसे डिजाइनों के लिए रनवे पर मॉडलिंग की है। 2016 में धोपिया ने भारतीय संगीत ऐप और साउंड पर नो फिल्टर नेहा नामक का बॉलीवुड पॉडकास्ट की असाधारण बनाई है और उसे होस्ट किया जिसमें वह बॉलीवुड हस्तियों को साक्षात्कार लेती है। शो को सकारात्मक समीक्षा मिली और जिसमें 2.3 मिलियन से अधिक श्रोता थे। धोपिया ने नंबर 2019 में सीजन 4 की शुरुआत की और पॉडकास्ट शो के वेब सीरीज और विस्तारित करने की योजना बनाई थी। धोपिया ने कर्सन और इंडिया फाउंडेशन का समर्थन करने के लिए मुंबई मैथरान में भाग लिया था और 5,00,000 से अधिक की राशि जुटाने की मदद की थी। उन्होंने 2011 से सिक्किम और भूकंप की पीड़ितों के लिए धन जुटाने
धन जुटाने की भी मदद की है। उन्होंने GR8 महिला पुरस्कार 2012 में प्रदर्शन किया था। धूपिया सहकारी है और उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता जैसे सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय, अनिल कपूर और अभिनेत्री बिपाशा बासु के साथ विशेष अतिथि रूप से श्रीलंका में हीरो गोल्ड फिल्म पुरस्कार 2014 में भाग लिया था। अभिनेत्री धूपिया ने 10 जुलाई 2018 को एक गुद्रास में एक निज समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान बिशान सिंह बेदी के बेटे अभिनेता आनंद बेदी से शादी की है। 18 नवंबर 2018 को उन्होंने मेहर धूपिया बेदी नाम की एक लड़की को जन्म दिया था। धूपिया को 2019 की मीडिया में कुछ वर्गों द्वारा भाग्य व्यवस्था के बाद वजन बढ़ाने के लिए शर्मिंदा किया था। 19 जुलाई 2021 को उन्होंने और अगंद ने घोषणा की थी कि वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे की कई फिल्मों में काम किए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म की तो इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री तृति डिमरी और अभिनेता विकी कौशल की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म को रिलीज 19 जुलाई 2024 को रिलीज हुई है और इस फिल्म का रनर टाइम 1:40 मिनट के साथ बनाई गई है। फिल्म की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की डायरेक्टर अनंत तिवारी और लेखक इशिता मोइत्रा तरुण जो डेजा ने मिलकर लिखे थे। फिल्म की छायाकान दबोजित्रे और संगीत रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, डीजे चेतस, जिसका नाम होने वाला है बैड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, बैड न्यूज एक हिंदी भाषा की आगामी फिल्म है। जिस फिल्म को रिलीज 19 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाएगा। जिस फिल्म को दोस्तों रिलीज कर दी गई है और इस फिल्म का डायरेक्टर आनंद तिवारी ने किया था। फिल्म का लेखक इशिता मोहित्रा और तुरन दुबेजा ने लिखे थे। फिल्म का निर्माता करण जौहर और फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता विक्की कौशल, तृति डिमरी जैसे और बड़े स्टार दिखाई देंगे। फिल्म बैड न्यूज एक आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। Amazon Prime Video और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस फिल्म में विक्की कौशल, तृति डिमरी और एमी विर्क है। यह फिल्म मूल फिल्म गुड न्यूज यह 2019 का अत्याधुनिक सिक्वल है और मूल की तरह यह भी गर्भावस्था के गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी हेट्रो पैटनर सुपर कंडक्शन के गिर्द घूमती है। एक प्रजनन प्रतिक्रिया जिसमें जुड़वा बच्चे की एक ही माँ होती है, लेकिन दोस्तों अलग अलग जैविक पिता होते हैं। फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बैड न्यूज मूवी का कुल बजट 80 करोड़ की बजट पर बनी मूवी है और इस मूवी की पहले ही दिन कमाई 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म बैड न्यूज मूवी पहले ही दिन भारत में 8.3 करोड़ का कलेक्शन किया था। बैड न्यूज मूवी का स्टोरी हम बताते हैं जो दोस्तों शुरुआत में होती है। दिखाया जाता है कि त्रिपिटी डेंडी की मम्मी त्रिति को एक पार्टी में लेकर आई है और ताकि किसी लड़के को त्रिपिटी पसंद करे और इन दोनों की शादी हो जाए।
इसी पार्टी में विक्की कौशल भी आया है और विक्की कौशल को त्रिपाठी से प्यार हो जाता है। साथ ही दोस्तों त्रिपाठी को करियर में अपने कुछ करना होता है और शादी के बाद त्रिपाठी अपने कैरियर पर फोकस ही नहीं कर पाती है। विक्की कौशल त्रिपाठी तलाक लेना चाहती है और मायके चली जाती है। इसी बीच त्रिपाठी का मुलाकात अम्मी विरक से होता है, जो तृप्ति इतनी टेंशन में होती है कि शराब पी लेती है और अम्मी के साथ मजे करती है। और सुबह विक्की कौशल आता है और तृप्ति को मानता है कि फिर इन दोनों के बीच प्यार हो जाती है। वहीं दोस्तों कंफ्यूज हो जाती है और ये कि बच्चे है और विक्की कौशल का या एमी का जब मेडिकल टेस्ट होता है तो पता चलता है कि तृप्ति के पेट पर दो बच्चे हैं, विक्की का और एमी का। इसके बाद मूवी देखने में जमकर मजा आता है। आखिर में बच्चा विक्की और तृप्ति अपना ले लेती है। वहीं दोस्तों बात करें फिल्म की तो इस फिल्म में सुपरस्टार एक्टर्स विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी, एमी वर्क दिखाई दिए हैं। भारतीय अभिनेता विक्की कौशल यही भारतीय अभिनेता है जिन्होंने कई पुरस्कार के विजेता जीते हैं और फिल्म मसान के लिए जाना जाता है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया था। कौशल के पिता श्याम कौशल एक बॉलीवुड एक्शन निर्देशक और स्टंट समन्वयक है। वह इस्लाम डॉग और मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। विक्की ने भाई सनी कौशल की फिल्म उद्योग से संपत्ति संबंधित है और वह यह एक सहायक रूप में गुंडे और माय फ्रेंड पिंटो में काम कर चुके हैं। कौशल ने स्नातक की उपाधि और एक इलेक्ट्रॉनिक्स को दूरसंचार इंजीनियर के रूप में 2009 में प्राप्त किया था। उनके पास नौकरी करने का मौका था लेकिन वह एक अभिनेता बनने की आशंका रखते थे और रंगमंच के साथ जुड़ गए थे। कौशल किशोर निमित्त कपूर की एक अभिनय कार्यशाला में शामिल हो गए और विक्की ने एक लघु फिल्म गीक आउट के अलावा लॉस तेम और चिकन खुर्राना और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्मों में छोटी भूमिका निभाई है। 2010 में विक्की ने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में सहायक काम किया था। नीरज ध्यान फिल्म में साइन और निर्देशक थे। जब नीरज ने अपनी फिल्म सम्मान मस्तान पर काम करना शुरू किया तो कौशल को भी एक ऑडियो के लिए बुलाया गया था। नीरज के अनुसार शुरू में वह असंकार थे और क्योंकि दोस्तों कौशल को बनारस जैसे एक छोटे से शहर के लड़के की भूमिका निभानी थी और जबकि वह एक ठंडर पंजाबी पृष्ठभूमि से आया है। लेकिन दोस्तों ऑडिशन देखने के बाद वह उनकी क्षमता के बारे में अशक्त हो गए हैं। कौशल की दूसरी फिल्म जुबान मार्च 2016 में जारी हुई और यह फिल्म एक युवा लड़के विक्की कौशल की कहानी जो
बट बाइडेन ने की और बीमारी से ग्रस्त हैं। उनकी अगली फिल्म रमन राघव 2.0 अनुराग कश्यप की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर थी, जिसमें उन्होंने नशे की लत में लत वाले किरदार को निभाया है और विक्की ने बाद में लव पर, स्वेच्छर फूट और लास्ट स्टोरीज में भी भाग काम किया था। 2012 में लव शो के चिकन खुराना और 2013 में गीक आउट, 2015 में बॉम्बे वेलवेट और 2015 में मासन, 2016 में जुबान, 2016 में द हीरो, द बॉलीवुड स्टोरी जैसी कई फिल्मों में काम किए हैं। अभिनेता विक्की कौशल की यह एक फिल्म है जिसका नाम है बैड न्यूज। जी हाँ, इस फिल्म को दर्शकों काफ़ी पसंद किए थे और इस फिल्म को देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसी फिल्म की अभिनेत्री की बात की जाए तो डिमरी, तृप्ति डिमरी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। उन्होंने दोस्तों कई प्रिय फिल्मों में जैसे बुलबुल 2020 और कला में निर्देशक किया था। उन्होंने अभिनय जगत की शुरुआत में कॉमेडी फिल्म पोस्टर बयाज 2017 से की और रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू 2018 में उनकी पहले मुख्य भूमिका थी। डिमरी ने बुलबुल में अपनी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण प्रशंसा अर्जित की है। उन्हें फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 2021 की सूची में शामिल किया गया था। भारतीय अभिनेत्री डिमरी ने अपने अभिनय की जगत की शुरुआत में श्रेष्ठ स्तर पर देखे निर्देशक में बनी फिल्म 2017 की कॉमेडी फिल्म पोस्टर बयाज के साथ की और जिसमें सोनी देओल, बाबी देओल और तलपटे ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह मराठी फिल्म पोस्टर बयास की एक आधिकारिक का पुनर्निर्माण था और इसमें उन्होंने तलपटे की प्रेमिका के रूप में देखा गया था। उनकी अगली फिल्म इम्तियाज अली की 2018 की रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू में अविनाश तिवारी के साथ एक प्रमुख का भूमिका में दिखाई दी थी। अन्ना एम एस वेटिकार्ड ने फर्स्ट पोस्ट के लिए अपनी समीक्षा में कहा कि वह अपनी लैला को एक धार के साथ इम्ब्यू डी करती है जिसने चरित्र के निरंतर और इसके बाजी को खतरे के साथ विश्वसनीय बना दिया है। डिमरी ने नायिका के रूप में अपनी सफलता हासिल की है। अविंता दत्त की 2020 की अलौकिक थ्रिलर बुलबुल में जिसमें उनके साथ राहुल बोस और पाओली डैम, अविनाश तिवारी और पर प्रमोद बंद्रा चटर्जी भी थे। अनुष्का शर्मा द्वारा निर्मित इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक स्वागत मिला था, जिसमें नारीवाद पर अपने रुख के लिए विशेष रूप से मुख्य भूमिका के लिए डिमरी के प्रदर्शन को सराहा गया था। द हिंदू की नम्रता जोशी ने लिखा कि कमजोर और मासूम से लेकर रहस्यम रूप से परिवर्तन तक डिमरी एक अच्छी अदाकारा है जो अपनी आंखों से बहुत कुछ बोलती है और दर्शकों आनंद उठाते हैं। उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक वेब ओरिजिनल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड दिलाया था। डिमरी ने बुलबुल की टीम के साथ उनके अगले होम प्रोडक्शन कला के लिए फिर से काम किया था। इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों द्वारा उसके प्रदर्शन और निर्देशक पाठकथा छायांकन उत्पादन डिजाइन और दृश्य शैली के
लिए सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई है। 2022 के बेहतरीन प्रदर्शन में से एक के रूप में इस फिल्म की सराहना करते हुए कई आलोचकों ने डिमरी के प्रदर्शन की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। इन्होंने मार्च 2022 में निर्देशक आनंद तिवारी के साथ अभी तक बिना शीर्षक वाली फिल्म के लिए फिल्मांकन शुरू कर दिया है, जिसमें उनके सह कलाकार विकी कौशल है और वह रणवीर कपूर के साथ संदीप रेड्डी वंगा की एनिमल में भी अभिनय करेगी। डिमरी को फोर्ब्स एशियाई ने 2021 की 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया था। वह Rediff.com की 2020 की बॉलीवुड की शीर्षक अभिनेत्री की सूची में 8वें स्थान पर रही है। वह दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की 2020 की 50 से 50 सबसे वाचनीय महिलाओं की सूची में 20 स्थान पर रही है। बात की जाए दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री डिमरी की, तो यह फिल्म में बैड न्यूज में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई दी है। वहीं दोस्तों अमरिंदर पाल सिंह यो जिन्होंने उनके मंच नाम एमी विर्क से अधिक जाना जाता है, यह एक पंजाबी गायक है, फिल्म के निर्माता, और उन्होंने अंग्रेजी 2015 में हकम निक्का, जलदार 2016 में निक्का और किसम 2018 में सिरजीत की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म की आगमन के बाद निर्माताओं की घोषणा मंच 2014 में करण जौहर द्वारा की गई थी, जिसका शुरू में किया गया था और शीर्षक मेरे महबूब मेरे सनम रखा गया था और बाद में इसे बदलकर बैड न्यूज कर दिया गया था और मार्केटिंग सहित फिल्म का कुल बजट 80 करोड़ का था। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में शुरू हुई और उत्पादन जुलाई 2023 में पूरा हुआ था। रब्बा वर्गा गीत को क्रोएशिया के निर्देशक स्थानों पर शूट किया गया था और फिल्म का संगीत रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, लिजो जार्ज, डीजे चेतस और प्रेम हरदीप करण और ओलाजा और अभिजीत श्रीवास्तव ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले ने तैयार किया है। तोहफा तोहफा शीर्षक वाला पहला एकल 2 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था। जानम शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी और मेरे महबूब मेरे सनम शीर्षक वाला तीसरा एकल 1998 को फिल्म डुप्लीकेट मूल रूप से अनु मलिक द्वारा रचित है। फिल्म की कथना की ओर थोड़ा नजर डालें तो दोस्तों सलोनी बक्का एक शेफ है जो अपने रिश्तेदार और केमिस्ट मेरिट की स्टार जीतने का सपना देखती है। वह अखिल चड्डा से मिलती है और वो और तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं। हालांकि जल्द ही उनकी शादी में समस्याएं आने लगती है, जिसमें से एक समस्या यह होती है कि उसके रिश्तेदार को अपना मेरा के स्टार खोना पड़ता है, जिसके प्रमाण स्वरूप सलोनी की नौकरी से निकाल दिया जाता है और इन समस्याओं के प्रमाण स्वरूप दंपति तलाक लेने का फैसला करते हैं। सलोनी की फिर और गुरवीर सिंह पन्नू के स्वामित्व वाले एक
रेस्तरा में काम करने के लिए मामूरी चली जाती है। घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद नशे में धुत छल्लो ने गुरबीर के साथ एक रात का रिश्ता बनाती है। उसी रात अखिल उसके कमरे में आता है और उसे वापस चलाता है और वो दोनों एक रात का रिश्ता बनाते हैं। इन मुलाकातों के परिणाम स्वरूप सल्लोनी गर्भवती होती है हो जाती है और बच्चे के पिता निर्धारित करने के लिए प्रत्युत्व प्रशिक्षण कराने के बाद उसे पता चलाता है कि जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। मामले को दबतर बनाने के लिए उसे उसके डॉक्टर ने बताया है कि हेट्रोपेटनर्न और सुपर फैक्डेन नामक का एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। परिमांसक रूप जुड़वा बच्चों के अलग अलग पिता है जो अखिल की गुरबीर के रूप में सामने आते हैं। इसके परिमांसक रूप बात की जाए दोस्तों, अभिनेत्री नेहा धोपिया एक भारतीय अभिनेत्री मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता की खिताब धारक है और उन्होंने वर्ष 2002 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स 2002 के भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इन्होंने कई फिल्मों का निर्माणों पर काम किया है और दोस्तों कई रियलिटी शो में भाग लिया है। उनकी फिल्मी कैरियर की ओर थोड़ा नजर डालें तो दोस्तों उनकी बॉलीवुड में शुरुआत 2003 में की फिल्म कयामत सिटी अंडर थ्रेट से हुई है जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया है। वह चुल्ली में अपनी शीर्षक भूमिका से प्रसिद्ध हुई और फिर शीशा 2005 में जुड़वा बहनों की दोहरी भूमिका निभाई है और लेकिन दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके बाद धोपिया ने क्या कुल है हम 2005 में और शूट आउट एट और लेखेंडो वाला 2007 जैसी फिल्मों में अभिनय किया है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है और एंथोलॉजी फिल्म द कहानियां 2007 के एक भाग में दिखाई दी है। अगले वर्ष में धोपिया चुप चुप के 2006 और 1:40 की लास्ट लोकल 2017 और मिथ्या 2007 और मिथ्या 2008 महारथी 2008 जैसी कई फिल्मों में काम किया है। धोपिया ने रोहित बॉल की डी और डामस जैसे डिजाइनों के लिए रनवे पर मॉडलिंग की है। 2016 में धोपिया ने भारतीय संगीत ऐप और साउंड पर नो फिल्टर नेहा नामक का बॉलीवुड पॉडकास्ट की असाधारण बनाई है और उसे होस्ट किया जिसमें वह बॉलीवुड हस्तियों को साक्षात्कार लेती है। शो को सकारात्मक समीक्षा मिली और जिसमें 2.3 मिलियन से अधिक श्रोता थे। धोपिया ने नंबर 2019 में सीजन 4 की शुरुआत की और पॉडकास्ट शो के वेब सीरीज और विस्तारित करने की योजना बनाई थी। धोपिया ने कर्सन और इंडिया फाउंडेशन का समर्थन करने के लिए मुंबई मैराथन में भाग लिया था और 5 लाख से अधिक की राशि जुटाने की मदद की थी। उन्होंने 2011 से सिक्किम और भूकंप की पीड़ितों के लिए धन जुटाने की भी मदद की है। उन्होंने GR8 महिला पुरस्कार 2012 में प्रदान प्रदर्शन किया था।
धूपिया सहकारी है और उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता जैसे सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय, अनिल कपूर और अभिनेत्री बिपाशा बासु के साथ विशेष अतिथि रूप से श्रीलंका में हीरो गोल्ड फिल्म पुरस्कार 2014 में भाग लिया था। अभिनेत्री धूपिया ने 10 जुलाई 2018 को एक गुद्रास में एक निज समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान बिशान सिंह बेदी के बेटे अभिनेता आनंद बेदी से शादी की है। 18 नवंबर 2018 को उन्होंने मेहर धूपिया बेदी नाम की एक लड़की को जन्म दिया था। धूपिया को 2019 की मीडिया में कुछ वर्गों द्वारा भाग्य व्यवस्था के बाद वजन बढ़ाने के लिए शर्मिंदा किया था। 19 जुलाई 2021 को उन्होंने और अगंद ने घोषणा की थी कि वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे की कई फिल्मों में काम किए हैं। बात करें दोस्तों फिल्म की तो इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री तृति डिमरी और अभिनेता विकी कौशल की जोड़ी को दर्शकों काफी पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म को रिलीज 19 जुलाई 2024 को रिलीज हुई है और इस फिल्म का रनर टाइम 1 से 40 मिनट के साथ बनाई गई है। फिल्म की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में फिल्म की डायरेक्टर आनंद तिवारी और लेखक इशिता मोहित्रा तरुण जो डिज्जा ने मिलकर लिखे थे। फिल्म की छायाकांत दबोजित्रे और संगीत रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, डीजे चेतस, लिजो और जार्ज, प्रेम हरदीप, करण औलास औजला, जिसका नाम होने वाला है बैड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, बैड न्यूज एक हिंदी भाषा की आगामी फिल्म है जिस फिल्म को रिलीज 19 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाएगा। जिस फिल्म को दोस्तों रिलीज कर दी गई है और इस फिल्म का डायरेक्टर आनंद तिवारी ने किया था। फिल्म का लेखक इशिता मोहित्रा और तुरन दुबेजा ने लिखे थे। फिल्म का निर्माता करण जौहर और फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता विक्की कौशल, तृति डिमरी जैसे और बड़े स्टार दिखाई देंगे। फिल्म बैड न्यूज एक आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। Amazon प्राइम वीडियो और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस फिल्म में विक्की कौशल, तृति डिमरी और एमी विर्क है। यह फिल्म मूल फिल्म गुड न्यूज यह 2019 का अत्याधुनिक सिक्वल है और मूल की तरह यह भी गर्भव्यवस्था के द्वित घूमती है। फिल्म की कहानी हेट्रो पैटनर सुपर कॉन्टेक्शन के गिर्द घूमती है। एक प्रजनन प्रतिक्रिया जिसमें जुड़वा बच्चे की एक ही माँ होती है, लेकिन दोस्तों अलग अलग जैविक पिता होते हैं। फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बैड न्यूज मूवी का कुल बजट 80 करोड़ की बजट पर बनी मूवी है और इस मूवी की पहले ही दिन कमाई 12.50 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म बैड न्यूज मूवी पहले ही दिन भारत में 8.3 करोड़ का कलेक्शन किया था। बैड न्यूज मूवी का स्टोरी हम बताते हैं जो दोस्तों शुरुआत में होती है। दिखाया जाता है कि त्रिपीति डिमरी की मम्मी तृति को एक पार्टी में लेकर आई है और ताकि किसी लड़के को तृप्ति पसंद करे और इन दोनों की शादी हो जाए। इसी पार्टी में विक्की कौशल भी आया है और विक्की कौशल को
विक्की कौशल को त्रिपाठी से प्यार हो जाता है, साथ ही त्रिपाठी को करियर में अपने कुछ करना होता है और शादी के बाद त्रिपाठी अपने कैरियर पर फोकस ही नहीं कर पाती है। विक्की कौशल त्रिपाठी तलाक लेना चाहती है और मायके चली जाती है। इसी बीच त्रिपाठी का मुलाकात अम्मी विरिक से होता है, जो त्रिपाठी इतनी टेंशन में होती है कि शराब पी लेती है और अम्मी के साथ मजे करती है और सुबह विक्की कौशल आता है और त्रिप्टी को मानता है कि फिर इन दोनों के बीच प्यार हो जाती है। वहीं दोस्तों कंफ्यूज हो जाती है और ये कि बच्चे है और विक्की कौशल का या एमी का जब मेडिकल टेस्ट होता है तो पता चलता है कि त्रिप्टी के पेट पर दो बच्चे हैं, विक्की का और एमी का। इसके बाद मूवी देखने में जमकर मजा आता है। आखिर में बच्चा विक्की और त्रिप्टी अपना ले लेती है। वहीं दोस्तों बात करें फिल्म की तो इस फिल्म में सुपरस्टार एक्टर्स विक्की कौशल, त्रिप्टी डिमरी, एमी वर्क दिखाई दिए हैं। भारतीय अभिनेता विक्की कौशल यही भारतीय अभिनेता है जिन्होंने कई पुरस्कार के विजेता जीते हैं और फिल्म मसान के लिए जाना जाता है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया था। कौशल के पिता श्याम कौशल एक बॉलीवुड एक्शन निर्देशक और स्टंट समन्वयक है। वह इस्लाम डॉग और मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। विक्की ने भाई सनी कौशल की फिल्म उद्योग से संबंधित है और वह यह एक सहायक रूप में गुंडे और माय फ्रेंड पिंटो में काम कर चुके हैं। कौशल ने स्नातक की उपाधि और एक इलेक्ट्रॉनिक्स को दूरसंचार इंजीनियर के रूप में 2009 में प्राप्त किया था। उनके पास नौकरी करने का मौका था लेकिन वह एक अभिनेता बनने की आशंका रखते थे और रंगमंच के साथ जुड़ गए थे। कौशल किशोर निमित्त कपूर की एक अभिनय कार्यशाला में शामिल हो गए और विक्की ने एक लघु फिल्म गीक आउट के अलावा लौ सौते और चिकन खुर्राना और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्मों में छोटी भूमिका निभाई है। 2010 में विक्की ने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में सहायक काम किया था। नीरज ध्याम फिल्म में साइन और निर्देशक थे। जब नीरज ने अपनी फिल्म सम्मान मस्तान पर काम करना शुरू किया तो कौशल को भी एक ऑडियो के लिए बुलाया गया था। नीरज के अनुसार शुरू में वह असंकार थे और क्योंकि दोस्तों कौशल को बनारस जैसे एक छोटे से शहर के लड़के की भूमिका निभानी थी और जबकि वह एक ठंडर पंजाबी पृष्ठभूमि से आया है। लेकिन दोस्तों ऑडिशन देखने के बाद वह उनकी क्षमता के बारे में अशक्त हो गए हैं। कौशल की दूसरी फिल्म जुबान मार्च 2016 में जारी हुई और यह फिल्म एक युवा लड़के विक्की कौशल की कहानी जो बर्ट बाइडेन ने की और बीमारी से ग्रस्त हैं उनकी
अगली फिल्म रमन राघव 2.0 अनुराग कश्यप की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर थी, जिसमें उन्होंने नशे की लत में लत वाले किरदार को निभाया है और विक्की ने बाद में लव पर, स्वेच्छर फूट और लास्ट स्टोरीज में भी भाग काम किया था। 2012 में लव शो के चिकन खुराना और 2013 में गीक आउट, 2015 में बॉम्बे वेलवेट और 2015 में मासन, 2016 में जुबान, 2016 में द हीरो, द बॉलीवुड स्टोरी जैसी कई फिल्मों में काम किए हैं। अभिनेता विक्की कौशल की यह एक फिल्म है जिसका नाम है बैड न्यूज। जी हाँ, इस फिल्म को दर्शकों काफ़ी पसंद किए थे और इस फिल्म को देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसी फिल्म की अभिनेत्री की बात की जाए तो डिमरी तृप्ति डिमरी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। उन्होंने दोस्तों कई प्रिय फिल्मों में जैसे बुलबुल 2020 और कला में निर्देशक किया था। उन्होंने अभिनय जगत की शुरुआत में कॉमेडी फिल्म पोस्टर बयाज 2017 से की और रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू 2018 में उनकी पहले मुख्य भूमिका थी। डिमरी ने बुलबुल में अपनी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण प्रशंसा अर्जित की है। उन्हें फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 2021 की सूची में शामिल किया गया था। भारतीय अभिनेत्री डिमरी ने अपने अभिनय की जगत की शुरुआत में श्रेष्ठ स्तर पर देखे निर्देशक में बनी फिल्म 2017 की कॉमेडी फिल्म पोस्टर बयाज के साथ की और जिसमें सोनी देओल, बाबी देओल और तलपटे ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह मराठी फिल्म पोस्टर बयाज की एक आधिकारिक का पुनर्निर्माण था और इसमें उन्होंने तलपटे की प्रेमिका के रूप में देखा गया था। उनकी अगली फिल्म इम्तियाज अली की 2018 की रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू में अविनाश तिवारी के साथ एक प्रमुख का भूमिका में दिखाई दी थी। अन्ना एम एस वेटिकार्ड ने फर्स्ट पोस्ट के लिए अपनी समीक्षा में कहा कि वह अपनी लैला को एक धार के साथ इम्ब्यू डी करती है जिसने चरित्र के निरंतर और इसके बाजी को खतरे के साथ विश्वसनीय बना दिया है। डिमरी ने नायिका के रूप में अपनी सफलता हासिल की है। अविनीता दत्त की 2020 की अलौकिक थ्रिलर बुलबुल में जिसमें उनके साथ राहुल बोस और पाउली डैम, अविनाश तिवारी और पर प्रमोद बंद्रा चटर्जी भी थे। अनुष्का शर्मा द्वारा निर्मित इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक स्वागत मिला था, जिसमें नारीवाद पर अपने रुख के लिए विशेष रूप से मुख्य भूमिका के लिए डिमरी के प्रदर्शन को सराहा गया था। द हिंदू की नम्रता जोशी ने लिखा कि कमजोर और मासूम से लेकर रहस्यम रूप से परिवर्तन तक डिमरी एक अच्छी अदाकारा है जो अपनी आंखों से बहुत कुछ बोलती है और दर्शकों आनंद उठाते हैं। उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक वेब ओरिजिनल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड दिलाया था। डिमरी ने बुलबुल की टीम के साथ उनके अगले होम प्रोडक्शन कला के लिए फिर से काम किया था। इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों द्वारा उसके प्रदर्शन और निर्देशक पाठकथा छायांकन उत्पादन डिजाइन और दृश्य शैली के लिए सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई है।
2022 के बेहतरीन प्रदर्शन में से एक के रूप में इस फिल्म की सराहना करते हुए कई आलोचकों ने टिमरी के प्रदर्शन की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। इन्होंने मार्च 2022 में निर्देशक आनंद तिवारी के साथ अभी तक बिना शीर्षक वाली फिल्म के लिए फिल्मांकन शुरू कर दिया है, जिसमें उनके सह कलाकार विकी कौशल है और वह रणवीर कपूर के साथ संदीप रेड्डी वंगा की एनिमल में भी अभिनय करेगी। डिमरी को फोर्ब्स एशियाई ने 2021 की 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया था। वह Rediff.com की 2020 की बॉलीवुड की शीर्षक अभिनेत्री की सूची में 8वें स्थान पर रही है। वह दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की 2020 की 50 से 50 सबसे वाचनीय महिलाओं की सूची में 20 स्थान पर रही है। बात की जाए दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री डिमरी की, तो यह फिल्म में बैड न्यूज़ में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दिखाई दी है। वहीं दोस्तों अमरिंदर पाल सिंह, यो जिन्होंने उनके मंच नाम एमी विर्क से अधिक जाना जाता है, यह एक पंजाबी गायक है, फिल्म के निर्माता, और उन्होंने अंग्रेजी 2015 में हकम निक्का, जलदार 2016 में निक्का और किसम 2018 में सिरजीत की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म की आगमन के बाद निर्माताओं की घोषणा मंच 2014 में करण जौहर द्वारा की गई थी, जिसका शुरू में किया गया था और शीर्षक मेरे महबूब मेरे सनम रखा गया था और बाद में इसे बदलकर बैड न्यूज कर दिया गया था और मार्केटिंग सहित फिल्म का कुल बजट 80 करोड़ का था। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में शुरू हुई और उत्पादन जुलाई 2023 में पूरा हुआ था। रब्बा वर्गा गीत को क्रोएशिया के निर्देशक स्थानों पर शूट किया गया था और फिल्म का संगीत रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, लिजो जार्ज, डीजे चेतस और प्रेम हरदीप करण और ओलाजा और अभिजीत श्रीवास्तव ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले ने तैयार किया है। तोहफा तोहफा शीर्षक वाला पहला एकल 2 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था। जानम शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी और मेरे महबूब मेरे सनम शीर्षक वाला तीसरा एकल 1998 को फिल्म डुप्लीकेट मूल रूप से अनु मलिक द्वारा रचित है। फिल्म की कथना की ओर थोड़ा नजर डालें तो दोस्तों सलोनी बक्का एक शेफ है जो अपने रिश्तेदार और केमिस्ट मेरिट की स्टार जीतने का सपना देखती है। वह अखिल चड्डा से मिलती है और वो और तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं। हालांकि जल्द ही उनकी शादी में समस्याएं आने लगती है, जिसमें से एक समस्या यह होती है कि उसके रिश्तेदार को अपना मेराकी स्टार खोना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप सलोनी की नौकरी से निकाल दिया जाता है और इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप दंपत्ति तलाक लेने का फैसला करते हैं। सलोनी की फिर और गुरवीर सिंह पन्नू के स्वामित्व वाले एक रेस्तरा में काम करने के लिए मामूरी
चली जाती है।